अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपकी रीनल एमसीक्यूज का टेस्ट हुआ था, उसकी की मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता भी लग जाएगी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इनहिबिट्स फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलस इज। तो बात हो रही है ग्लोमेरुलस पे कौन सा वो फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये मोस्ट लगा हुआ था यहाँ पे, विच इनहिबिट्स फिल्ट्रेशन। अच्छा, कुछ जो मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल था इस लिहाज से। इसमें दो ऑप्शन हैं जो बहुत करीब करीब हैं, ठीक है, और वो दो ऑप्शन आपको पता है कौन कौन से हैं। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 28 mmHg होती है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा वो इनहिबिटिंग फैक्टर है जो फ्लूड को रिटेन करता है ग्लोमेरुलस में और बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। दूसरा जो पहले ये देख लेते हैं, बाउमेंस ऑस्मोटिक प्रेशर तो खींचेगा फ्लूड को बाहर, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो सबसे बड़ा प्रेशर है जो फ्लूड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये सी डी और ई तो वैसे ही फारिग होते हैं। ए है कंटेंडर और बी को देखिए जरा, बाउमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बाउमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो भी इनहिबिट करता है फिल्ट्रेशन को, ग्लोमेरुलस को, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है। सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा हुआ था, सबसे बड़ा जो है फैक्टर वो ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये हम इसको इसको हम पिक कर लेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 जो है वो एक रिकॉल क्वेश्चन है। सब्सटेंस पूछा गया है दैट इंक्रीजेस इंक्रीजेस आरबीएफ रीनल ब्लड फ्लो व्हेन एडमिनिस्टर्ड एक्सपेरिमेंटली। अब ये जिनको जिन्होंने पढ़ा है कहीं पे वो उनको आ जाएगा, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उनको कोई इसमें करेक्शन का कोई नहीं, कोई इसमें अंदाजा नहीं लगाना, एनालिसिस नहीं करना। इन्हें रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज कहते हैं, ठीक है। इसका बेटे जवाब ये वाला है, ब्रैडीकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रिकॉल क्वेश्चन है। सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस जीएफआर, इसका जवाब है बी एंडोथिलीन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें डायबिटीज का जिक्र है। 45-year-old पेशेंट फैमिली फिजिशियन को विजिट करते हैं, अनकंट्रोल्ड इनका ब्लड ग्लूकोज है, ये मेडिसिन नहीं ले रहे, एहतियात नहीं कर रहे, ठीक है। लेबॉरेटरी टेस्ट आपने करवाया है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज मिल गया यूरिन में, इसका मतलब, अब जाहिर आपने रीनल पढ़ी भी है, वो लेक्चर सारा कवर किया हुआ है कि जिसमें किडनी हैंडल करती है ग्लूकोज को, तो अगर तो यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब फौरन दिमाग जाना चाहिए कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटरी ट्यूब्यूल में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ग्लूकोज के वो सैचुरेट हो गए हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे। ये सारे बाकी ए से लेकर डी तक ये गलत हैं, इनको देख लेना। जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है, सैचुरेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। क्वेश्चन 5 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था। यूरिया परमेबिलिटी कलेक्टिंग डक्ट पे कौन इंक्रीज करता है यूरिया परमेबिलिटी, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए था, और इसका जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। ये बाकी ए बी सी और ई गलत हैं। ADH जो है वो यूरिया परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये आपको मिलेगा जो वाटर बैलेंस वाला चैप्टर की जो वीडियो है उसमें मैं बात कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, यूरिया साइकिल के दौरान। ऑलराइट, ओके। तो ये जरा पढ़ने वाला एमसीक्यू था। इसमें क्या है, द किडनीज प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अब कंसंट्रेटेड यूरिन वाला जो वीडियो है या जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका क्लियर है तो इसमें, क्योंकि लंबी लंबी स्टेम्स हैं तो ये पढ़ने वाली स्टेम्स है। इसमें बेटे जो आंसर बी है वो करेक्ट है। एक्टिविटी सोडियम पोटेशियम पंप की लूप ऑफ हेनले, थिक लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में इंक्रीज होती है, तो वो जाके ज्यादा ज्यादा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब, ये अपना रीअब्जॉर्ब करता है और हाइपर ऑस्मोलर मेडुलर इंटरस्टीशन बनाता है, ठीक है। इसका आंसर बी है, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं, ओके। ये जिनको जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उनको समझ आ जाएगी कि थिक लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले का ताल्लुक है, सोडियम पोटेशियम पंप का इससे ताल्लुक है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने ये बहुत हार्ड दे दिया था, फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैंने आपको जब ब्लैडर कराया था, मैचुरेशन रिफ्लेक्स कराया था, तो उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट नहीं कराया था, तो ये मैंने निकाल दिया आपके उसमें से। कोई किसी को भी किसी, ये इसमें जो नंबर्स लगे हैं या नहीं लगे उसका रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, या आप समझिए आउट ऑफ कोर्स था। हाउएवर इसको देख जरूर ले लो, शायद ये आ जाए, ठीक है ना। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक कंडीशन होती है, ठीक है, और उसमें ब्रेन से जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे हैं वो लॉस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीनल प्लाज्मा फ्लो कैन बी डिटर्मिन बाय डिटर्मिनिंग द रीनल क्लियरेंस ऑफ।
तो ये रीनल क्लियरेंस का मैंने कौन सा पेटे कराया था, हम पूछ रहे हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो और उप्स, ये क्या हुआ। सो रीनल प्लाज्मा फ्लो किस चीज की क्लियरेंस के साथ उसका वो डिटरमिन हो सकता है, ठीक है। तो वो ये भी वो जो लेक्चर अगर कवर हुआ हुआ था आपने किया था या फिर आपने इसको इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो इसका आंसर PAH है, पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, ठीक है। पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड की एक्सट्रैक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, ये वो सब्सटेंस है जो इस्तेमाल होता है, इसकी क्लियरेंस इस्तेमाल होती है रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिटर्मिन करने के लिए। ओके, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। GFR कैन बी डिटर्मिन एक्यूरेटली, अब लव्स है एक्यूरेटली, बाय मेजरिंग द रीनल क्लियरेंस ऑफ, ये इंसुलिन मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये तो हार्मोन है, ठीक है। जवाब इसका इनुलिन है, इनुलिन वो सब्सटेंस है, मैंने इसके बारे में बात की थी अपने अपने लेक्चर में, ये वो सब्सटेंस है जिसको आप अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो एक्यूरेटली अगर उसमें आपने मेजर करना है तो इनुलिन की क्लियरेंस आप इस्तेमाल करेंगे। रूटीन में क्रिएटिनिन की क्लियरेंस इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये बात उस लेक्चर में हुई थी। इसका जवाब है बेटे सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा मजेदार किस्म का क्वेश्चन था, ठीक है। बात हो रही है फॉर सब्सटेंस अपीयर्स इन द रीनल आर्टरी बट नॉट इन द रीनल वेन, देन, यानी पहले कहानी समझनी जरूरी है कि एक चीज रीनल आर्टरी में आई है, ज़ाहिर रीनल आर्टरी में आई है तो ग्लोमेरुलस में फिर फिल्टर भी हुई होगी, ठीक है ना, लेकिन रीनल वेन में नहीं आई वो। इसका मतलब है कि आगे जब वो गुजरी तो वो फिर सारे का सारा जो मामला है इस सब्सटेंस का वो ट्यूब्यूल्स में आ गया, इतना यानी सारे का सारे ट्यूब्यूल में ही आ गया उछल के या रीअब्सॉर्ब हो गया सिक्रीट होके, इस तरह से कि रीनल वेन में जब उसको मेजर किया गया तो वो बिल्कुल वहां पे एब्सेंट था। तो रीनल आर्टरी में था, रीनल वेन में नहीं था, तो फिर दरमियान में क्या चीज है, दरमियान में यूरिन है, यूरिन में चला गया, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ए बी सी डी, ठीक है ना, वो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे डिस्कस करूंगा। इसका आंसर बेटे ई है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। क्लियरेंस जो है वो इक्वल टू है रीनल प्लाज्मा फ्लो के, इसमें दो बातें बस मैं करूंगा, उसको आपने फिर पढ़ना है खुद, कि रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी टोटल अमाउंट ऑफ जो प्लाज्मा ग्लोमेरुलस में आता है उसका 20% फिल्टर होता है। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में, ठीक है, तो वो तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गया। तो यानी ये सब्सटेंस जब रीनल आर्टरी से होता हुआ था ग्लोमेरुलस में आया तो 20% जो था वो फिल्टर हुआ, 80% रीनल ब्लड फ्लो के साथ आगे चला गया और वो जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है वहां से वो पूरे का पूरा सिक्रीट हो गया। अब आपको पता है सिक्रीट क्या होता है, ठीक है, तो 80% सिक्रीट हुआ, 20% फिल्टर हुआ, सारे का सारा गायब हो गया जो आगे जाके वेन बनी और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच द पार्ट ऑफ द किडनी दैट सेंसेस इनएडिक्वेट परफ्यूजन एंड सिक्रीट्स रेनिन इज, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा की में मामला ये था कि इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये चूज द बेस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें बेस्ट ऑप्शन करेक्शन वाले एमसीक्यू में से दे दिया गया ये एमसीक्यू। हाउएवर जिनके ए और सी करेक्ट हैं उनको हमने नंबर दिए हैं, ठीक है। इसमें जो आंसर्स करेक्ट नहीं है वो बी सही नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं होता रेनिन से, लूपोफेनले का कोई ताल्लुक नहीं होता, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का कोई ताल्लुक नहीं होता। मेन जो ताल्लुक है वो एफरेंट आर्टेरियोल का और का कुछ हद तक एफरेंट आर्टेरियोल का है, यहाँ पे वो रेनिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं इनएडिक्वेट परफ्यूजन को और रेनिन सिक्रीट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में सेल्स ऑफ द किडनी दैट सेंस इनएडिक्वेट सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन एंड सिक्रीट रेनिन, अब ये वही सवाल है लेकिन इसका थोड़ा सा जाविया मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियर कट, मैक्युलर डेंसर सेल्स इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में नहीं होते, इंटरकलेटेड प्रिंसिपल सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है रेनिन से, मैक्युलर डेंसर लूपोफेनले में भी नहीं होते, ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ADH is secreted by supraoptic nuclei. Okay. Question number 14. ये भी straightforward है कि ADH secrete तो खैर बनता तो hypothalamus में है, synthesize होके store कहाँ पे होता है, तो वो store posterior pituitary में होता है, ठीक है, ये भी straightforward question था। उसके बाद आ जाएं 15 पे, द
फैक्टर दैट प्रमोट्स रिलीज ऑफ ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी अभी अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो ये आप वर्कआउट नहीं कर सकते, वो उसका जवाब है एंजियोटेंसिन 2। इसके पीछे पूरी फिजियोलॉजी है जिसको अभी इस वीडियो में तो वक्त नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा MCQ है, ठीक है। ADH का बेटे याद रखना, रिलीज कराने वाला एक जो एक्टर है वो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, और इन दूसरा जो मेन एक्टर है वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो ये दो हैं तो वैसे इसका भी ताल्लुक है, इसका तो है ही, इसका भी ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 16, द इफेक्ट ऑफ ADH अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन कलेक्टिंग डक्ट्स, ADH कॉजेस। अब ADH कॉज क्या करता है? अब इसमें भी मजे की गड़बड़ हुई, पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया ADH का एक बड़ा प्रोमिनेंट क्या कहते हैं काम है। हाउएवर जिन बच्चों ने इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन भी टिक किया है, हम उनको भी नंबर दे रहे हैं। अब ये इस हालत में गलत है क्योंकि एक्वापोरिन टाइप 1 नहीं है, एक्वापोरिन टाइप 2 चैनल्स को ये इंसर्ट कराता है, ठीक है, लेकिन ये फिर बहुत हार्ड हो गया, तो ये मेरे से भी स्किप हो गई बात, ये फिर बहुत हार्ड MCQ हो जाएगा आपके लिए। एक्वापोरिन 2 था ये। हाउएवर एक्वापोरिन अगर आपको याद रहे कि इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन कॉज है, ADH कॉज करता है, तो दिस इज गुड इनफ फॉर यू। सो सी वाले बच्चों को भी नंबर दिए गए हैं और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया वालों को तो दिए ही गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा था, ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज इज 375 मिलीग्राम पर मिनट। ओके, प्लीज रिमेंबर द यूनिट, ये पर यूनिट टाइम इसकी वैल्यू है, इस ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर टाइप चीज ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन मैंने दिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ADH और हाइपर ऑस्मोलर इंटरस्टिशियम चाहिए होती है टू कंसंट्रेट यूरिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पोटेशियम इज सिक्रेटेड बाय, ये मैंने आपको की के तौर पर बता ही दिया है, प्रिंसिपल सेल की बात हो रही है, सोडियम ये रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम सिक्रेट करता है, तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बी, क्वेश्चन 20 है, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज, इट्स ऑब्वियसली द आंसर इज बी, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय डिस्टल कोनेटेड ट्यूब्यूल। ये सोडियम जनाब रीअब्सॉर्ब हो रहा है, प्रिंसिपल सेल का मेन फंक्शन दो हैं, जैसे आपने पढ़ा अभी, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन। ओके, क्वेश्चन 21, इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन ऑन GFR इज, अगेन ये वाला सवाल मैंने काफी डिटेल से समझाया हुआ है और इसका जवाब सी है, पहले वो इंक्रीज करता है, आपको पता होना चाहिए किस स्टॉलिंग फोर्स की वजह से वो इंक्रीज करता है, फिर वो डिक्रीज करता है, और आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टॉलिंग फोर्स की वजह से डिक्रीज करता है। इसके अलग से MCQs आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, GFR की वैल्यू बेटे पूछी थी और वो है 125 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेंड्स टू इंक्रीज GFR, ठीक है। अब ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोशेंट, ठीक है। सो जो चीज कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोशेंट को बढ़ा रही है वो, या फिल्ट्रेशन को बढ़ा रही है वो GFR इंक्रीज करेगी, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। 24, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये एसिड बेस बैलेंस में से है, मैंने कोशिश की थी कि सिंपल रखूं, तो ये मेरा ख्याल है उसकी पहली स्लाइड ही जो जिसमें मैं हाइड्रोजन आयंस के ऊपर बात कर रहा हूं, उसी में से MCQ मैंने बना दिया। अब बात हो रही है एसिडोसिस की, ठीक है, एसिडोसिस की, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस सिक्रीटेड। अब एसिडोसिस में जाहिर है आपने हाइड्रोजन आयंस को ठिकाने लगाना है ना, तो बात हो रही है हाइड्रोजन आयन जो सिक्रीट होंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अब ये मैंने की के तौर पर आपको ये सेल दिखाया है जो लेक्चर में भी मौजूद है, ये प्रॉक्सिमल सेल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का सेल, और इसमें ये देखो ये हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा है, यहाँ से बना वही सारा ये जो रिएक्शन है ये हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, फिर वो डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो गया और ये हाइड्रोजन सिक्रीट हो गया। अब इस सिक्रीशन की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन सिक्रीटेड बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जैसे उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जो आपका फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है उसको काबू करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको पकड़ने के लिए काम होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको टाइट्रेट या इसको बाइंड करने के लिए, ताकि ये फिर रीअब्सॉर्ब हो जाए इनडायरेक्टली, इसके लिए हाइड्रोजन को सिक्रीट किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ
बाइकार्बोनेट आयंस। ये एक मुश्किल एमसीक्यू साबित हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ा या इसकी बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है एसिड बेस बैलेंस की। रिमेंबर, जो एसिड बेस बैलेंस मैंने आपको डिस्कस किया है लेक्चर में, वो बुनियादी है, बेसिक्स हैं, इतनी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बच्चों वाला था। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट प्लाज्मा वॉल्यूम? आंसर इज डी, 3 लीटर्स, अबाउट 3 लीटर्स। ओके, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि ये क्वेश्चंस थोड़े से अनइवन थे, आई एडमिट। कुछ में ए से डी तक ऑप्शंस थे, कुछ जो थे वो ए से ई थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो बात आपने समझने की है वो ये कि यूनिवर्सिटी में आपके ए टू ई ही ऑप्शंस आएंगे आपको, ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि चूज द बेस्ट आएंगे, उसमें मल्टीपल बेस्ट नहीं होंगे। इसमें एक एमसीक्यू मल्टीपल बेस्ट वाला था, लेकिन चूज द बेस्ट है। तो बेटे वंस अगेन ए टू ई ऑप्शन आएंगे, आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, उसमें आपने एक बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। और जो मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा जवाब सही लग रहे होते हैं, लेकिन जवाब आप यकीन जानिए कि एक ही उनमें बेस्ट होता है। सही जवाब हो सकते हैं मल्टीपल, लेकिन बेस्ट आंसर उनमें एक होता है। और जो हार्ड एमसीक्यूज होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है 20-30% हार्ड एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपको काफी सर खुजाना पड़ेगा, उसमें यही होगा कि आपको मल्टीपल लग रहे होंगे लेकिन आपने बेस्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आखिरी बात इसमें यह है कि अगर मैंने पहले क्लास में नहीं बताया तो ये सुन लीजिए कि एमसीक्यूज ट्राई करने का, अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। पहले आप वो सारा एमसीक्यू पेपर एक दफा पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी का जब आपको आएगा, उसमें जो आपको ईजीएस्ट लगेंगे आप पहले फेरे में उनको आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा फेरा लगाना है। अब दूसरे फेरे में जो पहले फेरे में हो चुके हैं, जाहिर है वो आपने दोबारा नहीं पढ़ने, तो एक साइकोलॉजिकली भी ना आपको एक बूस्ट मिलती है कि चलो जी मेरे एमसीक्यूज कम हो गए। सेकंड फेरे में आपने थोड़े से जो टेढ़े एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करना है। अगर कोई सिनेरियो आ गए हैं, सिनेरियो वाले क्वेश्चन हैं, उनको अपने थर्ड फेरे के लिए रख देना है। फर्स्ट 2 फेरों में आपने कॉम्प्लिकेटेड या सिनेरियो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। तो इस तरह करते करते थर्ड फेरे में फिर आपने जो फंस गए हुए हैं, जरा डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं जिनमें आपको 2-3 अच्छे सही चॉइसेस लग रही हैं वो, या अगर कोई सिनेरियो वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आपने उनके लिए उसके लिए थर्ड फेरे में करके उनको आपने करना है। इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी और जो इजी एमसीक्यूज हैं वो तो हार्ड कैश होता है, वो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। मैं दुआ करूंगा आपके ये सारे इम्तिहान इंशाल्लाह अच्छे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।